तो दोस्तों, स्टोरी टेलिंग एनिमेशन को मोबाइल पे बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है बिनाई। यह आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आपको रखना है, जो भी नाम आप रखना चाहो, तो मैं फ़िलहाल ये लिख लेता हूँ। उसके बाद क्रिएट मूवी के ऊपर क्लिक करना है। तो जब ये आप इस तरह से कर देंगे तो यहाँ पर ऐसा एक डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दोस्तों ये स्लाइड है और कुछ टूल्स आपको मिल जाते हैं, बैकग्राउंड टेक्स्ट वगैरह, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप कलर, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। ये कलर्स आ गया, तो ये कलर आप यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वाइट ही रखता हूँ। यहाँ पर दोस्तों स्टिकर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप एनिमेटेड पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पिक्चर अपलोड करता हूँ इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे मैं कोई पिक्चर लेता हूँ। तो कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, उसको किस तरह से यहाँ पर एनिमेट करवाना है, क्या कराना है, अभी आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। वीडियो को सही से देखो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये पिक्चर ले लिया है, इसको यहाँ तक क्रॉप भी कर सकते हो आप, जहाँ तक आपको चाहिए। ये लेने के बाद दोस्तों इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर आ गया इस वीडियो में। तो उसके बाद इसको यहाँ से आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, इसका डिले कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ इस जगह पर। और दोस्तों उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। बहुत ईजी एप्लीकेशन है, कोई भी आसानी के साथ इसके ऊपर काम कर सकता है। तो यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ, और रेड ले लिया मैंने। अब इसको हम यहाँ से इसके टाइमिंग वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिले को, तो आप इसको यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो, इसको प्ले करने के बाद ये इस तरह से दिखा रहा है। अब आराम से किसी भी स्टोरी को यहाँ पर बता सकते हो, स्टोरी सुना सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका काम ख़त्म हुआ, यानी जो जो ऑब्जेक्ट्स आपने लगाए हुए होंगे, ये स्लाइड वहीं तक होगा। तो उसके बाद इसमें और ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो ये स्लाइड के जो डिले है, टाइम है, वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज़ SN फोटो वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये स्टोरी टेलिंग जो है किस तरह से की जाती है एनिमेशन पे। तो और भी बाकी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों स्लाइड नंबर 2 भी मैं आपको दिखाऊँगा, और इसको एक्सपोर्ट करके वीडियो को चला कर भी दिखाऊँगा वीडियो फॉर्म में, अभी तो ये प्रोजेक्ट के फॉर्म में। अब देखते हैं ये किस तरह से काम कर रही है। देखो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है देखने में। बेहतरीन हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक ये स्लाइड रेडी हो चुकी है, तो हम दूसरा स्लाइड यहाँ प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और दूसरा स्लाइड यहाँ पर ले लेंगे। दूसरे स्लाइड के ऊपर आएंगे, ये स्लाइड ब्लैंक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन के अंदर दिखाता हूँ कि क्या क्या अहम चीज़ें इसमें आपको फ्री में मिलती हैं। यहाँ पर आप ऊपर अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी, करेक्टर्स मिल जाएंगे कार्टून वाले, और इनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी करेक्टर ले लेते हैं, इसके डिले को बढ़ा लें, साइज़ छोटा बड़ा कर लें, सारा कुछ जैसे ही पिक्चर को कर रहे थे उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी आपको मिल जाते हैं बहुत सारे, अब बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। आप इजीली किसी को भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो अपने स्टोरी को समझाने के लिए। और यहाँ पर आप देखो, अभी और आगे चलते हैं, और कितने सारे आप देख सकते हो यहाँ पर, शेप्स वगैरह मिल जाते हैं आपको यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के। उसके बाद दोस्तों यहाँ एनिमेटेड छोटे छोटे क्लिप्स भी मिलते हैं जो कि एनिमेट हो रहे होते हैं, तो इनमें से मैं कोई यूज़ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, कोई भी लगा लेता हूँ और फिर उसको एज अ वीडियो भी सेव करेंगे हम। मैं यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इसके साइज़ को मैंने बड़ा कर दिया, आप देख सकते हो ये ऑलरेडी एनिमेट हो रहा है। तो फिर उसके बाद दोस्तों अब हम वीडियो को प्ले करते हैं, तो ये पूरी वीडियो दोनों स्लाइड एक साथ चलेगी। इसी तरह दोस्तों आप ज़्यादा स्लाइड्स पर भी बनाओगे तो ज़्यादा स्लाइड पर भी ये चलेगा। ओ SN फोटो वाला। उसके बाद ये स्लाइड नंबर 2 स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा करेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये एनिमेशन भी आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर उसके बाद हमें ऑप्शन मिल जाते हैं सेव करने का, यहाँ पर प्ले का। उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर के बटन पर क्लिक करना है ऊपर, और उसके बाद मूवी के नाम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हो शेयर का बटन है, इसको दबाना है, और जो भी आपका मूवी का नाम रखना है, मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ अनटाइटल्ड।
स्टोरी, ठीक है, ये नाम मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद देख सकते हो आप ये रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है और ये बहुत जल्दी हो जाता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। उसके बाद आप इसके ऊपर वॉइस ओवर भी कर सकते हो, म्यूज़िक भी लगा सकते हो। ये सामने आपके पास जो टूल्स का ऑप्शन है, टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह, वहाँ पर आपको म्यूज़िक भी नज़र आ रहा होगा छोटा सा, वहाँ से आप लगा सकते हो। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडियो है वो बनाने के लिए, एनिमेटेड स्टोरीज़ वगैरह समझाने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये मेरे मोबाइल में आ चुका है ये वीडियो और अब यहाँ से ये प्ले भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा औसम लग रहा है। अगर यार चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना थोड़ा। तो दोस्तों ये रही हमारी वीडियो, रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।